Welcome back to our channel, The Mountain Fam with a Camel Casing. इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे how to add a child to your application. हमने आपको पहले ही बताया था हम आपके साथ वही एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जो हमारे साथ हुए हैं, राइट. सो इस प्रोसेस को हमने काफ़ी पास से देखा है क्योंकि हमने अपने न्यू बॉर्न को अपनी एप्लीकेशन में ऐड कराया था. तो इसका एक्सपीरियंस और टाइमलाइंस हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे बेटी हुई सो हमने विद इन वन मंथ हमने पहले तो उसका पासपोर्ट बना दिया, देन उसका आधार कार्ड हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था. सेकेंडली पॉइंट आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चाइल्ड को ऐड करने के लिए या फिर अपना डिपेंडेंट बढ़ाने के लिए, तो वो होता है प्रूफ ऑफ फंड्स. सो प्रूफ ऑफ फंड्स की टेबल के लिए हमने नीचे लिंक दिया हुआ है. जब हमने किया था तो उस टाइम पे प्रूफ ऑफ फंड्स जो रिक्वायर्ड थे वो अलग थे, अभी कुछ अलग हैं. सो वो आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा. पोस्ट दैट आपका मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसके साथ साथ देने पड़ते हैं, और हाँ, एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी होता है इस केस के लिए. सो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अपना चाइल्ड को कैसे ऐड किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने सबसे पहले तो एक वेब फॉर्म रेज किया था जिसका कोई जवाब नहीं आया काफ़ी महीनों तक. सो हमने सोचा अप फ्रंट अपना जो एडिशन है, एडिशन में तो चाइल्ड को ऐड करने का जो फी है, हम अप फ्रंट वो ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद एक वेब फॉर्म रेज करते हैं. वेब फॉर्म रेज करने का लिंक आपके पास ऊपर आ रहा होगा. ये इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो लाइक हाउ टू रेज अ वेब फॉर्म, काइंडली चेक दैट वीडियो. तो ओके, स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हमें अपना फीस वो करना था, तो ये वाला जो लिंक है ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो इसमें यह आया है द फीस है एप्लीकेशन है इंक्रीज फ्रॉम अप्रैल 30. सो इसमें जैसे मैं हम लोग गए थे तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर सबमिटिंग. इसमें सबका अलग अलग रह सकता है, टेम्प्रेरी परमानेंट सारे ऑप्शन दिए हैं. हमारे केस में था परमानेंट रेजिडेंस, देन था विच परमानेंट रेजिडेंस और डॉक्यूमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर. सो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सिचुएशन है, तो हमारे केस में था एक्सप्रेस एंट्री, वट आर यू पेइंग फॉर. सो इसमें आ जाता है तीन एप्लीकेशन, तीन कैटेगरी. सो कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के अप्लाई करते टाइम, अब जैसे हमारे केस में था, जिस टाइम हमने एक्सप्रेस एंट्री में अपना एप्लीकेशन डाला था, आई मीन ITA के बाद, उस टाइम पे हम दो जने थे. बट आफ्टरवर्ड्स दो वी वर एक्सपेक्टिंग, बट एट दैट प्रेजेंट मोमेंट वी वर ओनली टू, राइट. सो इस केस हमारे वाला केस बनता है सेकेंड, एडिंग अ स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड आफ्टर आई ऑलरेडी अप्लाइड. सो इसके बाकी के दो ऑप्शंस भी है, एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन और राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी RPRF. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अभी आज हम बात करते हैं एडिंग अ स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड. तो इसको हमने किया क्लिक, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक गेट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस. सो इसमें सबका आ जाता है ऑप्शन पे एड अ स्पाउस, इंक्लूड अ स्पाउस और पार्टनर उसका है इतना. अगर आपको इंक्लूड अ डिपेंडेंट चाइल्ड करना है तो इसका अब फीस बढ़ गया है जैसे कि उसमें लिखा था, तो ये हो गया है 230 पर चाइल्ड. सो अब आ जाते हैं हाउ टू पे योर फी. सो आपको पता है आपका 230 पर चाइल्ड है, ओके. देन इसके आगे हम जाएंगे पे माई फी ऑनलाइन. सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ये है वो. आपके पास ऑलरेडी, जैसे हमारे पास उस टाइम पे था, हमने ऑलरेडी अप्लाई करा था, हमारे पास नंबर्स वगैरह सब थे. तो इसके बाद हम यहाँ पे जाके चूज फ्रॉम अ लिस्ट. सो सबसे पहले यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना है परमानेंट रेजिडेंस, ओके. यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये दो ऑप्शन रहते हैं. तो इसमें हमने शायद हमने किया था ऑप्शन वन सिलेक्ट, तो हमें यहाँ पे करने थे ये वाले आंसर का, जो परमानेंट लिव इन कैनेडा और गेट PR रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स. इस पर आपसे नहीं, हमारा हाँ हमारा यही था, ओके. इस सारे ऑप्शंस को एक बार आप आराम से पढ़ लीजिएगा. हमारे वाले केस में था ये परमानेंटली लिव इन कैनेडा. देन इसके बाद ये आ जाता है व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर. तो इसमें हमारा था ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू एक्सप्रेस एंट्री एंड नीड टू एड अ फैमिली मेंबर्स टू माई एप्लीकेशन, किया इसका सिलेक्ट. देन हम आ गए कंटिन्यू, हु आर यू एडिंग टू एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन. इसमें भी आपके ऑप्शंस रहेंगे. तो हमारे वाले केस में चंदू ऑलरेडी एडेड थी, तो हमें एक डिपेंडेंट चाइल्ड को ऐड करना था. हाउ मेनी डिपेंडेंट चाइल्ड आर यू ब्रिंगिंग, वन.
कंटिन्यू इफ योर फैमिली नीड्स टू गिव बायोमेट्रिक। सो इसमें आप ये ऑप्शन चेक करेगा कि हमारे कि जैसे त्रिशिका की एज उस टाइम पे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ही, तो उसका बायोमेट्रिक नहीं होता, तो इस केस में हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। आगे आगे सो ये बनता है हमारा एप्लीकेशन का फीस $230, राइट। सो इसको पे करने का आप लॉग इन करके पे कर सकते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन रिसीट था कुछ ऐसा दिखता था, उस टाइम पे पेमेंट था $225 का। सो ये ऑफिशियल रिसीट है, इसे संभाल के रखिएगा, आगे आपके फ्यूचर कम्युनिकेशंस में ये काफी काम आएगी। ये हमारी फीस थी। फीस को लेके फिर हमने एक सबसे पहले एक वेब फॉर्म रेस किया हमने, उसके बाद आके हमने बताया इसमें कि इंस्पेक्टर ये हमारी इंक्वायरी थी, हमने जो जो इसमें अपने क्वेश्चंस डाले थे ये सब हमने इसमें बताया। फिर उसके बाद इनका रिस्पॉन्स आया हमें 30 जनवरी को, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, 2 या 2.5 महीने बाद इनका रिस्पॉन्स आया कि ठीक है, गुड डे। ये था इनका ऑफिशियल, मेरी मेल आईडी पे आया, इनकी ऑफिशियल मेल आईडी से मेरी मेल आईडी पे आया था। सर ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, हम आपके उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें वेब फॉर्म के थ्रू चाहिए। तो इसमें इन्होंने क्या क्या मांगा था, सबसे पहले तो जेनरिक इनका रहता है IMM 0008, ये बहुत जेनरिक फॉर्म है इनका, ये जनरली हर चीज़ के साथ यही रहता है। सेकेंडली इसमें था हमारे जो केस में एप्लीकेबल बनता था एडिशनल फैमिली मेम्बर IMM 5406 फॉर्म, इसके बारे में हम आप दोनों फॉर्म्स के बारे में भी बताते हैं। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमारी रेडी थी, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट वो भी रेडी था, कॉपी ऑफ फैमिली मेंबर्स वैलिड पासपोर्ट, त्रिशिका का पासपोर्ट हमने बना दिया था, पुलिस सर्टिफिकेट इसका नहीं बनना था क्योंकि ये ऑलरेडी अभी 18 के नीचे थी। देन एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हमारे पास रेडी था। हाँ तो ये हमने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बनाया था उस टाइम पे, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, हमने कम्युनिकेशन ये है ये है, देन वी हैव एडेड ये सारी चीज़ें प्रूफ ऑफ एफ, सेम इसी ही ऑर्डर में हमने ऑलमोस्ट लिखने की कोशिश करी थी। देन लास्ट इफ एप्लीकेबल द प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो प्रूफ हम पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो हमारे को इस केस में दिखे। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने IMM 08 उस पे। सो इसमें ये है जेनरिक एप्लीकेशन फॉर्म, मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो ये आपका डाउन, आपको ये नॉर्मली डाउनलोड नहीं होगा, आपको सेव लिंक एस करके करना पड़ेगा, और जनरली मैक्स में ये इशू करता है क्योंकि ये डाउनलोड होने का दिखता नहीं है, इसके लिए एडोबी आपको चाहिए ही चाहिए, बिना उसके ये खुलता भी नहीं है। देन इसमें आपका आ गया, इसमें ड्रॉप डाउन रहते हैं, तो इसके बाद हाँ ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है, तो इसमें ये सब तो इसके ड्रॉप डाउन आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ हाउ मेनी मेमरी फैमिली मेम्बर्स 3, देन उसके बाद लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लिश, इंटरव्यू इंटरप्रेटर रिक्वेस्टेड नो, वेयर डू यू इंटेंड टू लिव, ओंटारियो टोरंटो। देन आगे चलते हुए पर्सनल डिटेल्स, ये आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, जैसे मेरे थे इस केस में, शर्मा, मेल, हाइट एंड सिटी, टाउन, प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप, एंड देन करंट स्टेटस, मैरिड, व्हेन डिड यू गेट मैरिड, ये आपके स्पाउस का नेम वो यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका घर का एड्रेस जो आपके पासपोर्ट में रहेगा और जो आपने IRCC में दिया, ऑल वो तो सेम ही रहना चाहिए इसमें। फिर आपके फ़ोन नंबर्स, जो आप मेरा था, फिर मैंने अपने स्पाउस का फ़ोन नंबर दिया। देन इसके आगे आपका देखते हैं पासपोर्ट, पासपोर्ट का डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, ऑब्वियसली येस, देन पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी एंड इशू डेट। देन इसके बाद आता है आपका नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। सो इसमें नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, हर कंट्री का अलग होता है, जैसे इंडिया का इस टाइम पे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक जो हमने इसमें दिया था वो था आधार कार्ड, सो वो काफ़ी काम आया यहाँ पे, हमने लगाया है उसमें, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री, मास्टर्स, क्या करते हैं, क्या वहाँ पे यहाँ कैनेडा आके आप क्या करना चाहते हैं, मतलब किस फील्ड में, देन लैंग्वेज डिटेल, आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, देन आपको लिखना है इंग्लिश, और या मतलब सबका अलग अलग रह सकता है। देन सेम इंफॉर्मेशन हमने डिपेंडेंट के बारे में दी, लेकिन इसमें जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गया वो था त्रिशिका का, क्योंकि वो एक हमारा डिपेंडेंट बन के जा रहा था इस टाइम पे, तो इसके बारे में हमने उसका भी हमारे पास जो जो था हमने सारा कुछ लिखा, हाइट ऑफ क्यूज 2 फीट 3 इंच। देन उसके बाद ये सारे के सारे डिपेंडेंट, टाइप ए डिपेंडेंट है,
विल कंपनी प्रिंसिपल अकाउंटेंट कनाडा, यस। देन उसके बाद आ जाता है आपका ये इंडिया के सिटीजन है वो, और फिर मेनली मतलब यही सब लिखने के बाद, इसके पासपोर्ट के डिटेल्स, इसका आधार कार्ड, ये लिखने के बाद ये एक लास्ट में आपका सिग्नेचर रहेगा कंसेंट की, आपके ही थ्रू ये सब कुछ हो रहा है, आपका सिग्नेचर, आपका डेट, ये पूरा वैलिडेशन। दो इसमें बारकोड जनरेट होते हैं, वो मैंने इसमें दिखाई नहीं है, तो ये काफी लंबा फॉर्म रहता है 9 पेज का। देन ये जैसे भर दिया तो फिर इसके बाद हम गए हैं अपने सेकेंड फॉर्म IMM 5406 के पास। तो IM 5406 क्या रहते हैं, इसमें एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये आपको अपने एक तो इंग्लिश इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे केस में इंग्लिश था प्लस नेटिव इंफॉर्मेशन, नेटिव लैंग्वेज में दोनों में भरना रहता है। तो इस टाइम पे मैं आपको सिर्फ इंग्लिश वाला दिखा रहा हूँ, ऑल द सेम फॉर्मेट में हमने हिंदी वाला फॉर्म भी भरा था, तो वो तो एक बेसिक ही रहता है जिसमें रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें पूरे डिटेल्स आपको मेंशन करने रहते हैं, जैसे उसमें हमारा नाम, रिलेशनशिप सेल्फ, रिलेशनशिप मैरिड एंड प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस इंडिया, कंट्री ऑफ कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। देन इसके बाद आपका स्पाउस का, मदर फादर, सेम सेम सीक्वेंस। देन आपका आपके चिल्ड्रन का, देन इसके बाद आपका आ गया, क्योंकि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप उसमें नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। देन आपके जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनका उनका ईमेल एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ। ये इसलिए रहता है कि अगर जस्ट इन केस अगर वो भी अप्लाई करें तो इससे आपका लिंक बैठ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म था IMM 5406। देन आगे जाते हैं, तो ये सब करने के साथ साथ हमने एक नया वेब फॉर्म रेज किया, एंड उसके बाद हम लोग फिर शांत बैठ गए। तो ये 30 जनवरी की बात है। इसके बाद जो इनका रिस्पॉन्स आया वो था 7 मार्च को, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद। हाँ, तो इसमें इन्होंने साफ साफ सेम वही अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी से इसमें इन्होंने बताया कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, ये दिस इज रिस्पॉन्स क्वेरी जो हमने उस वक्त सबमिट करी थी। इसमें इन्होंने हमें अपना अपडेटेड प्रूफ ऑफ फंड्स, IMM ये और दोनों फॉर्म्स, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर न्यू बॉर्न एडिशन, पेमेंट रिसीट, इसका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये हमने पूरा दिया। और उन्होंने कहा है कि ये ऑफिस को हमने फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसको हमें मिल चुके हैं, और अब वो आपको पूछेंगे अगर आपको कुछ और चीज रिक्वायर्ड रहेगी तो। सो गाइस, ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, और इसके बाद मतलब हमें त्रिशिका उस पर देखने लगी थी अपने IRCC एप्लीकेशन में। सो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलते हैं वापस। गाइस, आपने देखा कि हमने कितने लंबे टाइमलाइन में त्रिशिका को अपनी एप्लीकेशन में ऐड किया। सो यस, इट टेक्स अराउंड 9 to 10 months एंड एट टाइम्स मोस्ट एट टाइम्स उससे भी ज़्यादा। सो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और हम ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ आगे भी आने वाले टाइम में शेयर करते रहेंगे। सो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू।